प्रधानमंत्री जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में बोला गया, मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे युवा नेता बहुत सुनने आते हैं, मैं देख रहा हूँ काफी युवा नेता बैठे हुए हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज चल जीता नहीं इस बार, कोई बात नहीं, बच्चा आया। ये इसलिए नहीं सुनने आते कि कविता सुनने आते, ये इसलिए सुनने आते कि मैं जिसे शुभकामना देता हूँ वो कुछ बन जाता है। 2006 में अहमदाबाद में एक मुख्यमंत्री को कहा था कि प्रधानमंत्री बनोगे, बन ही गया, हमारा वाला ले ही नहीं रहा। तालियां बजा सकते हैं आप। विरोध करिए, विधेयकों के खिलाफ आप हो सकते हैं, संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ आप हो सकते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जिस जिसकी पार्टी की सरकार होती है सबके साथ ऐसा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल गुजरात के दो गड़रियों के हाथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बात है। पहले आपके हाथ में थी तो आपने हाकी, अब वो हाक रहे हैं अपना। मैं तो गुजरात गया था, मुख्यमंत्री सामने बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ज्यादा स्वागत करो, मैं दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि आपने जिसे भेजा था उसका हमने किया था। फिर मैंने उनसे पूछा, यार ये बताओ हमने एक मांगा था तुमने दो क्यों भेजे? निर्मा की थैली के साथ लक्ष्य की बट्टी फिरी। और वो छोटा वाला तो ज्यादा बड़ा जालिम लोशन है, वो तो कई बार दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। हाँ, दिल्ली में लोग कहते थे हमें चाहिए आजादी, जब से वो गृहमंत्री बने कोई मांग ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि होम डिलीवरी करा देगा। और ये बात अच्छी है कि मानो मत मानो, प्रधानमंत्री से अच्छा वक्ता कोई देश में समय है नहीं, इतना अच्छा वो बोलते हैं। और जैसे बिना सुने तुमने ताली बजाई है, ऐसों ने जिताए हैं। इतना बढ़िया बोलते हैं वो, इतना शानदार कि लगता है राष्ट्र को बोलते हैं कि राष्ट्र निर्माण हो रहा है। वो तो सुबह को सीए बताता है कि आप ही की कटी रात। करके मुझे पत्रकार मित्र पूछते हैं हमारे तमाम कि साहब आप पाकिस्तान पे कविता लिख रहे, 31 साल हो गए आपको यहाँ कविता पढ़ते अल्बर्ट हॉल में, 31 साल में एक लाइन पाकिस्तान पे। मैंने कहा भाई मैं प्रेम का कवि हूं, प्रेम शाश्वत विषय है, हजारों वर्ष पहले था, आज है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था, आज है। आप कविता लिख दो, परसों विषय खत्म हो जाए। और दिल्ली में जैसे ये दो बैठे हैं, इनका पता थोड़ी चलता है कुछ। इनको तो 8 बजे आके इतना ही कहना कि भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के वहां दिल्ली NCR की सीमाएं लाहौर तक की जाती है। तालियां जरा ढंग से बजाओ, बजाने को। देश ऐसे ही हाल में पता नहीं क्या हो जाए।